What is up everyone, this is me Mukesh. So guys, Mukesh Naidu, we are back with another one. So Panther ने drop कर दिया अपना नवा single from his EP. ठीक है, रुलाओगे ना? पूछ रहे भाई, इन लाइनों से अब तुम रुलाने वाले हो. सो हमें पूछना चाहिए कि रुलाओगे क्या इस ट्रैक से, रुलाओगे क्या? बट hey, guys, ऑफिशियल लिरिक वीडियो है ये. ट्रैक ड्रॉप हो चुका था एक दिन पहले एंड कल ये लिरिक वीडियो शाम को ड्रॉप हुआ और आज हम चेकआउट कर रहे हैं. काफ़ी जल्दी हम आ गए, वेरी फास्ट ब्रो, वेरी फास्ट. बट गाइज, पैंथर रुलाओगे ना ऑफिशियल लिरिक वीडियो, लेट्स गो ब्रो. तीसरा सिंगल है और उसी बीच में कोलैब भी ड्रॉप कर रहे हैं पैंथर अपने फ्यूचर वर्सेस भी ड्रॉप कर रहे हैं. एक में मोटिवेट किया, एक में उन्होंने प्यार भरी बातें की AI ब्रो. हाँ, तो विजुअल्स वर रियली सिक. बट एनीवे, पैंथर रुलाओगे ना ट्रैक का नाम है. विदाउट अडू लेट्स गेट राइट टू दिस मैन, लेट्स गेट इट. नाइस कॉर्ड्स. ऐसा क्यों दिल लगाने से भी डर लगता है? पास्ट ट्रॉमास. ऐसा क्यों आठो कोई भी कैसी हम घबराए? ऐसा क्यों खुशबू से तेरी ये दिल. ओह आई लाइक दैट वर्ड. ऐसा क्यों, मेलोडी काफी सही है भाई. देखो भाई गाइस, ये पैंथर यूनिक है भाई, पैंथर स्पेशल है. नाउ जब ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट ग्लोबल हिप हॉप में भी सारे आर्टिस्ट जब एक दूसरे मतलब कैंप्स में डिवाइड हो चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर शॉट्स फायर कर रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट हिप हॉप द कल्चर एनी मोर, दे केयर अबाउट देम सेल्व्स एंड देयर कैंप्स. ठीक है, पैंथर इज ड्रॉपिंग मेलोडिक ट्रैक्स ब्रो. ही इज यूनिक ब्रो, ही इज यूनिक. उसने मिक्स टेप ड्रॉप किया इस साल की शुरुआत में, उन्होंने मिक्स टेप ड्रॉप किया एंड उसको बीट करने के लिए Eminem डीलक्स वर्जन भी लेकर आ रहे हैं ब्रो. Eminem इज ट्राइंग टू बीट द मिक्स टेप ब्रो, ही इज ट्राइंग टू बीट द मिक्स टेप, बिकॉज अभी तक किसी ने भी वो मिक्स टेप को बीट नहीं किया अकॉर्डिंग टू मी. ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग फिर ऑफेंड हो जाते हैं. लेट्स गेट इट. आठो कोई भी कैसी हम घबराए? ऐसा क्यों खुशबू से तेरी ये दिल हंसता है? ऐसा क्यों जो बहकी बहकी बातें तू मुझसे कहता है? जो कसमें खाई है वो संग मेरे निभाओगे ना? बोलो ना सब कुछ पर तुम सब कुछ समझ जाओगे ना? हो जाऊं दूर कर तुमसे वापस बुलाओगे ना? और मुझसे वादा करो तुम कभी रुलाओगे ना? जो कसमें खाई है वो संग मेरे निभाओगे. ये पैंथर एक लड़की के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है यार. जो कसमें खाई है वो संग मेरे निभाओगे ना? बोलू ना सब कुछ पर तुम सब कुछ समझ जाओगे ना? हो जाऊं दूर कर तुमसे वापस बुलाओगे ना? और मुझसे वादा करो तुम कभी रुलाओगे ना? हमको रुलाओगे ना? कभी रुलाओगे ना? हमको रुलाओगे ना? Oh wow bro, the female vocals bro, come on. Nice. Shout out to the vocals bro, shout out. जो composition है वो बहुत ही खूबसूरत भाई, खूबसूरत composition है भाई. ये vocals जो है ये fill कर रही है, ये you know empty नहीं रहने दे रही है. अभी जो जब कोई lines fit नहीं हो रहे हैं वो vocals जो है वो थोड़ा सा wholesome बना रही है beat को. अभी देखो, listen to it. की वजह मैं सहमत सा हूँ, काफी पहले से तूने संभाला मुझे, क्या तुझे ये पता? होगी शिकायत कोई मुझसे तो बेझिझक देना तुम हमको बता. हम कोशिश करेंगे कि बेहतर इंसान बने, लायक हो तेरे ये मेरी वफा. मैंने धोखे खाए हैं काफी, लगता है डर मुझे बाहों में तेरी, जब लगता है घर मुझे खाली है. ओह लवली ब्रो, मैंने धोखे खाए हैं काफी,
इसीलिए लगता है डर. लोग पास्ट ट्रॉमास, पास्ट ट्रॉमास जो चीज़ें आपके साथ लाइक जिनको जिनका जिनका पास्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाएंगे, बट जिनका पास्ट है वो लोग जब किसी और से मिलते हैं, किसी और एक इंसान से मिलते हैं, तब तक उनको भरोसा उठ चुका होता है कि ऐसा प्यार व्यार कुछ नहीं होता. पर वो जब एक नए इंसान से मिलते हैं और जब वो ऐसी बातें करता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में रहना चाहती हूँ, या फिर ऐसा प्रॉमिसेस करने लगती हैं, प्यार भरी बातें करने लगती हैं, आप फिर दिल खोलने लगते हो और फिर वो अटैच हो जाता है, अटैचमेंट होता है, फिर आपको डर लगने लगता है कि पास्ट में भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था और फिर चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो ये वापस कहीं हो ना जाए, तो वो डर रहता है. ठीक है, बट यू नेवर नो ब्रो, यू नेवर नो, सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते. लेट्स गेट इट गाइस. झिझक देना तुम हमको बता, हम कोशिश करेंगे कि बेहतर इंसान बने, लायक हो तेरी ये मेरी वफा. मैंने धोखे खाए हैं काफी, लगता है डर मुझे बाहों में तेरी, जब लगता है घर मुझे खाली है, खाली पन बाहों में भर तू ले रहा हूँ मैं, चल तू ले जाऊँ तो पकड़ तू ले मुझको, समझ तू ले रोले संग, हंस तू ले समझा ना पाऊँ तो मुझको, समझ तू ले सब कुछ बेहतर जब मेरे संग तू है, उससे बेहतर ये कि सबसे कसम तू है. नजारे हैं देखने लायक, लिखे लाखों कसले करते एक ले शायर पर. ब्रो कितने सारे फ्लोज भाई, कितने सारे फ्लोज. सबसे कसम तू है. नजारे हैं देखने लायक, लिखे लाखों कसले करते एक ले शायर पर, लिखे तुम पे कोई ना मेरे सिवा, ना ही है किसी का तुम्हें देखना जायज, तुम देखो तो देखना तेरी बोली. ओह दिस लाइन वाज सो क्यूट ब्रो. पर लिखे तुम पे कोई ना मेरे सिवा, ना ही है किसी का तुम्हें देखना जायज. ब्रो सो क्यूट, ब्रो सो क्यूट. पैंथर मेरे सिवा नहीं है किसी का तुम्हें देखना जायज, तुम देखो तो देखना कहाँ है तेरी बोली, खुद में ही एक समाए, कैसे को ठेस पहुंचाए तुझे पर, तू वादा कर एक दफा ये, तू वादा कर एक दफा ये. ब्रो मैं सच में बोलता हूँ, प्यार ऐसे पोएटिक नहीं होता भाई, प्यार नहीं होता ऐसे पोएटिक. मैं आपको बोल रहा हूँ, प्यार बहुत चीज़ें होती है लेकिन पोएटिक बिल्कुल नहीं होती. जब प्यार चलता है ना चीज़ें, इनिशियली बहुत एक्साइटमेंट होती है, अट्रैक्शन होती है, यू नो बटरफ्लाइज वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे वो इनिशियल एक्साइटमेंट जो है वो कम होने लगती है और तब रियल प्यार शुरू होने लगती है. तब आपकी कमिटमेंट की पावर दिखाई देती है, तब वो प्रोमिसेस की पावर दिखाई देती है कि आप जो प्रोमिसेस कर रहे थे वो अब शुरुआत होगी जब इनिशियल एक्साइटमेंट कम हो गया है. ठीक है, क्योंकि एक्साइटमेंट कम होता है, होता है, ठीक है, एक्साइटमेंट कम होता है, लेकिन आपके एफर्ट्स की वजह से वो एक्साइटमेंट फिर से रीइग्नाइट होती है या फिर बरकरार रहती है. ठीक है, तो वो एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है व्हेन द इनिशियल एक्साइटमेंट डाइज डाउन. ठीक है, सो यस, बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है वो जर्नी, बहुत टफ होता है वो प्यार, बहुत टफ होता है. पोएटिक बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसको पोएट्री में ऐसे आर्टिस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उस पूरे प्रोसेस को पोएट्री में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. दे मेक्स इट लुक सो ब्यूटिफुल, सो क्यूट. ठीक है, लेकिन होता नहीं है. एंड हार्ट ब्रेक भी बिल्कुल पोएटिक नहीं होता, लेकिन वो पोएट्री में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. क्यों? क्योंकि यू नो पोएट्री ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं हम लोग. रियालिटी के कंपेरिजन में हम पोएट्री को ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए वो एक पोएटिक अंदाज में हार्ट ब्रेक हो या फिर प्यार हो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उस प्रोसेस को. मैन पैंथर ब्रो क्या लाइनें लिख रहा है भाई. ठेस पहुंचाए तुझे पर, तू वादा कर एक दफा ये, तू वादा कर एक दफा ये, जो कसमें खाई हैं वो संग मेरे निभाओगे ना, बोलू ना सब कुछ पर तुम सब कुछ समझ जाओगे ना, हो जाऊं दूर कर तुमसे वापस बुलाओगे ना, और मुझसे वादा करो तुम कभी रुलाओगे ना, जो कसमें खाई हैं वो संग मेरे निभाओगे ना, बोलू ना सब कुछ पर तुम सब कुछ समझ जाओगे ना, हो जाऊं दूर कर तुमसे वापस बुलाओगे ना, और मुझसे वादा करो तुम कभी रुलाओगे ना, हमको रुलाओगे ना कभी रुलाओगे ना, हमको रुलाओगे ना कभी रुलाओगे ना, हमको रुलाओगे ना कभी रुलाओगे ना, हमको रुलाओगे ना, हमको रुलाओगे ना. पैंथर भाई, पैंथर.
ओह वाओ पैंथर, ओह वाओ ब्रो, थर्ड, दिस इज हिज थर्ड मेलोडिक सिंगल फ्रॉम हिज एपी एंड टॉप नॉच ट्रैक्स भाई, सारे के सारे टॉप नॉच ट्रैक्स है, सारे के सारे। अब उनमें से कोई आपका बहुत फेवरेट हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन तीनों के तीनों टॉप नॉच ट्रैक्स है भाई। लिरिसिज्म हो, जिस तरीके से पैंथर डिलीवर कर रहे हैं, वो लुक कहीं पे भी चीप नहीं लग रही है ट्रैक्स, क्रिंज नहीं लग रही है ट्रैक्स, कॉर्नी नहीं लग रही है ट्रैक्स, ठीक है, कहीं से भी नहीं लग रहा है। जब आप कॉर्नी होते हो, क्रिंज होते हो, तो दिखता है वो कॉर्नी और क्रिंज। व्हेन यू डोंट मीन व्हाट यू आर सेइंग, यू आर जस्ट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है, तब क्रिंज लगता है, तब कॉर्नी लगता है। जब आप एक एक्ट पुट ऑन करते हो तब कॉर्नी लगता है, तब चीजी लगता है। बट पैंथर द वे ही इज डिलीवरिंग दिस लाइन्स ब्रो, एफर्टलेस तरीके से एंड बहुत ही जेन्युइन लग रहा है। एंड इट इज वेरी हार्ड फॉर एन आर्टिस्ट लाइक पैंथर, जो ट्रैक्स बनाता है भाई गलत कर्म जैसे ट्रैक्स बनाता है, एंड देन ही ड्रॉप्स ट्रैक्स लाइक दिस, ही ड्रॉप्स ट्रैक्स लाइक दिस भाई, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है दैट दिस इज द सेम आर्टिस्ट ब्रो, दिस इज द सेम आर्टिस्ट। क्या रेंज है भाई इस इंसान का, क्या रेंज है, ठीक है भाई। जो लोग सच में अभी रिलेशनशिप में, प्यार में, यू मस्ट लिसन टू दिस ब्रो, यू मस्ट लिसन टू दिस एंड यू मस्ट रिसाइट दिस लाइंस विथ योर पार्टनर ब्रो। लुक ये गाइस, अगर आप एक प्यार में हो, दैट इज अ कमिटमेंट एंड यू हैव टू यू नो गिव यू 100%, गिव यू 100%। देखो अब अगर चीजें सही नहीं जा रही है आपके रिलेशनशिप में, देन म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हो टू यू नो सेपरेट और समथिंग, क्योंकि यू नो एक मिजरेबल लाइफ जीना, क्योंकि आप एक दूसरे को प्यार करते हो बट एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो लेकिन प्यार बहुत करते हो, वो सिर्फ एक रीजन नहीं हो सकता भाई कि मैं सिर्फ प्यार करता हूँ लेकिन बाकी कुछ नहीं करता, वो चीज़ नहीं हो सकती ना भाई, देन दैट इज अ मिजरेबल लाइफ। वैसे प्यार तो मैं बहुत लोगों को करता हूँ, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं उनके साथ अपनी जिंदगी जी सकता हूँ, ठीक है। तो अगर वो चीज़, अगर हर चीज़ नहीं है, लाइक रिस्पेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर में फ्लॉज नहीं है, फ्लॉज है और वो धीरे धीरे निकलते हैं, ठीक है, जब इनिशियली आप मिलते हो आपके फ्लॉज सामने नहीं आते, तब आपका पेशेंस देखना पड़ता है कि आप कितने पेशेंस है, वो डिपेंड करता है फ्लॉज के ऊपर। अब ऐसा नहीं कि वो भाई मारता पीटता हो और आप सह जाओ बिकॉज यू लव दैट पर्सन, वैसा तो नहीं चलेगा भाई। रिस्पेक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट इज रियल रियली इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। आप अगर किसी की बात सुन रहे हो तो आपकी बात भी वो सुनना चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यस, जो लोग रिलेशनशिप में हो गाइज, ये लाइन्स, पैंथर इज हिटिंग ऑल द राइट स्पॉट्स भाई, ही इज हिटिंग ऑल द राइट स्पॉट्स। जो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर है, शाउट आउट टू यू, ब्यूटिफुल बैलेड, एंड पैंथर ने बहुत अच्छी तरीके से ये ड्राइव किया ब्रो। कम ऑन गाइज, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई पोस्ट रियल कंटेंट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन।